क्या होता है, नए हो गाड़ी सीख रहे हो तो फ्रंट बम्पर में टच होने के चांसेस रहते हैं, तो वो आपका जो मेन बम्पर है ये बच जाएगा। तो इसमें एक बेहतरीन चीज़ मेरे को ये लगी कि कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है, आपको दिख रहा होगा विंडशील्ड के यहाँ पे। अगर आपको सपोज दैट गाड़ी के अंदर की रिकॉर्डिंग करनी है, काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बिकॉज क्यों, मैं भी रेफरेंस से आया हूँ। इसमें भी आप फोटो भी खींच सकते हो और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आप जैसा चाहो। वेलकम टू समीर फिकेशन, मैं हूँ अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज पे। आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्सॉन का बेस मॉडल खड़ा है, ये एक्स ई रहने वाला है, इससे नीचे कुछ भी नहीं आता, एकदम टोटल जो कहते हैं ना बेस मॉडल, जिसमें फीचर एकदम आते ही नहीं है। इसकी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ने इसमें क्या क्या काम करा है, राजन भाई ने डेकोरम कार एक्सेसरीज पे, और जो भी काम हुआ है सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे दिखाएंगे, और जो बजट रहने वाला है गाड़ी का उसकी भी बात करेंगे कि आपको अगर इतने पैसे में काम करवाना है तो आप क्या क्या काम करवा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी की देख लेते हैं, क्योंकि की में ही अपग्रेड हुआ है। ये बेस मॉडल में आपको ऐसी चाबी मिलती है, आपको दोनों ही, एक तो चाबी आप ये देख रहे हो और इसमें से एक निकल गई है, कहाँ गई ये आप देख सकते हो, जो कि अपनी फ्लिप की बन गई है आरडी की। आपको वो लेके घूमने की जरूरत नहीं है, इसी से सारा काम हो जाएगा। और क्योंकि गाड़ी में आरडी की सेंट्रल लॉकिंग लगी है तो लॉक अनलॉक का बटन भी इसमें आता है। देख सकते हो गाड़ी किस तरीके से जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। अब इसका जो लाइट है ये चेंज हुआ है, इसको मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या अपग्रेडेशन हुई है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो चाबी है ये लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो बल्ब होता है वो वाइट बल्ब में कन्वर्ट हो गया, मतलब एलईडी की जो लाइट होती है उसमें कन्वर्ट हो गया। नीचे मिंडा की फॉग लाइट लगी है, इसके अंदर जो है वो एलईडी का बल्ब लगा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हो कि जो हेडलाइट है ये पूरी, भाई ने पहले मैंने ये जलाई थी प्रोजेक्टर, ये आपका लो बीम हाई बीम सब एक साथ जल रहा है। बेस मॉडल में भी DRL आते हैं गाड़ी में, तो इसके अंदर भी वाइट लाइट लगी हुई है एलईडी की, इसके अंदर भी वाइट लाइट लगी हुई है। तो 120 वाट का इसमें LED लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि कितनी ब्राइट लाइट आ रही है। हालांकि आपको सामने थोड़ा सा दिख रहा होगा तो वो आपका ये रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आप ये देख सकते हो डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ये ABS क्वालिटी का रहने वाला है। अब इसकी सबसे जो बड़ी चीज़ मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ, कई बार क्या होता है नए हो गाड़ी सीख रहे हो तो फ्रंट बम्पर में टच होने के चांसेस रहते हैं, तो वो आपका जो मेन बम्पर है ये बच जाएगा, इम्पैक्ट जो होता है मोस्टली वो इस पर आ जाता है। ये आप देख सकते हो ये डुअल टोन का कुछ रहने वाला है। तो फ्रंट में तो यही सारी चीज़ें, अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। अगर आपको ये ऑटो फोल्डेबल वाले चाहिए इलेक्ट्रिक के लिए एडजस्टेबल, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इस वाली गाड़ी में वो नहीं लगा हुआ है। बाकी आप इस पर क्रोम भी लगवा सकते हो, ये डोर हैंडल होते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि पावर विंडो गाड़ी में पीछे नहीं आती है, तो पावर विंडो का आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप ये देख सकते हो कि RD केस में पावर विंडो इंस्टॉल हुए हैं, और इसका जो ये बटन है ये आप देख सकते हो एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन इसका रहने वाला है। आप इसका जो हैंडल है ये भी चेंज करवा सकते हो, बाकी आप आगे आपको ये दो ही मिलेगा। अब एक बार अंदर चल कर देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो, बाकी जो गाड़ी में एंड्रॉयड लगा हुआ है स्टीरियो वो एक्सट्रीम कंपनी का लगा हुआ है, और रॉक फोर्ड के स्पीकर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमा सीरीज है ये, आगे इसमें आपके कंपोनेंट लगे हुए हैं रॉक फोर्ड के, और पीछे कोएक्सियल लगे हुए हैं। बाकी अपना ये रहने वाला है एक्सट्रीम का, इसकी मैं आपको अंदर चल के बता देता हूँ कि कैसा कुछ ऑपरेशन रहने वाला है, एंड जो कैमरा क्वालिटी है वो सारी चीज़ें भी चेक करेंगे। उससे पहले आप ये देख सकते हो ये वहाँ पर वाइज़र भी लगा हुआ है। और अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये जो कंट्रोल है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये भी चेंज हो चुके हैं। ये आपका 9 इंचेस का स्टीरियो रहने वाला है, ये एंड्रॉयड स्टीरियो है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आप अलग से लगवा सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का चाहिए, अगर आप सोच कर आए हैं मेरे को ये नहीं ये चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एंड्रॉयड है ऐप बेस्ड, तो आप ये देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह आप सब कुछ चला सकते हो, सारे शॉर्टकट बटन है। और आप इसकी फिटिंग देख सकते हो कि किस तरीके से ये फिटिंग है, काफ़ी स्टडी सा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ टाइम बाद निकल जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल ये है सारी चीज़ें ऐसी हैं। बाकी अब आप ये देख सकते हो कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, अब इसको चलाने के लिए आपको बटन चाहिए होंगे, क्योंकि बेस मॉडल में कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। अब गाड़ी में आप लेदर रैप स्टीयरिंग भी लगवा सकते हो, वो अभी इस वाली गाड़ी में नहीं हो रखा है, लेकिन अगर आपको करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। बाकी मैट डले हुए हैं, अब आप ये देख सकते हो कि ये मैट काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब यही है कि ये रेनी सीजन में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, इसमें आप कुछ नहीं पानी मार दो और एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। बाकी सीट कवर इंस्टॉल नहीं हुआ है, अगर आपको सीट कवर इंस्टॉल करवाना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है अपने पास, वो भी हो जाएगा। अब आइए एक बार जल्दी से इसका टच रिस्पॉन्स देख लेते हैं, एंड इसके अंदर फ्रंट एंड बैक कैमरा इंस्टॉल हुआ हुआ है, उसकी क्लैरिटी देख लेते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो टच काफ़ी फ्लूइड है, काफ़ी जो कहते हैं ना कि इसको चलाना काफ़ी ईजी है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऊपर नीचे दिखा रहा है, अगर आपको सिर्फ फ्रंट देखना है तो फ्रंट देख सकते हो। अब इसमें एक बेहतरीन चीज़ मेरे को ये लगी कि कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल हो रखा है, आपको दिख रहा होगा विंडशील्ड के यहाँ पे। अगर आपको सपोज दैट गाड़ी के अंदर की रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपको ऐसा करना है कि अंदर कुछ आपको ऐसा चाहिए कि मेरे को रिकॉर्ड उसको करना है, तो आप इसको बस सिंपली ऐसे घुमा सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है, हालांकि ये उल्टा ले रहा है, वो सीधा हो जाएगा,
लेकिन ये अभी पीछे की रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर आपको फ्रंट की चाहिए तो आप इसको ऐसे कुछ कर देंगे तो ये आपका जो है वो आगे का व्यू लेगा, एक तरीके का ये डैश कैम का काम भी करेगा क्योंकि इसमें आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसका जो है वो बैक कैमरा देख लेते हैं। अब देखो गाड़ी थोड़ी सी टिल्टेड खड़ी है, आगे का जो हिस्सा है वो उठा हुआ है तो ये रोड का व्यू ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन क्लैरिटी बेहतरीन है। आपको स्प्लेंडर के जो पहिए हैं वहीं से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, लाइक मेरे को तो लग रहा है क्योंकि आप भी कैमरे के थ्रू ही देख रहे हो, तो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी आप फोटो भी खींच सकते हो और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप जैसा चाहो, और इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इसका एंटीना लगा हुआ है, पीछे शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक बार पीछे का लुक चेकआउट कर लेते हैं कि नेक्सॉन एक्सी बेस मॉडल में पीछे क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे रूफ रेल्स लगी हुई हैं, हालांकि ABS वाली रहने वाली है, प्लास्टिक जो होता है अपना, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन है, लुक को एनहांस कर दे रही है और ये काफ़ी स्टडी से फील होती है। ये लगा हुआ है जो कि अपना रहने वाला है शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे आप ये देख सकते हो वाइट कलर में, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टर आते हैं बेस मॉडल में यहाँ पे, इसमें आपकी मैट्रिक्स वाली लाइट लगी हुई है। अब इसको एक बार इंडिकेटर पे देख लेते हैं कि ये कैसे कुछ काम करती है। तो ये जो नीचे अपनी मैट्रिक्स वाली लाइट लगी है, जैसे ही आप राइट या लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे, आप देख सकते हो अभी राइट का इंडिकेटर ऑन है अपना, ये भी फंक्शनल हो जाता है, ये भी फंक्शन में आ जाता है। अब आप देख सकते हो कि आपको पीछे बता देगा कि हाँ जी इसको राइट या लेफ्ट मुड़ना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो कि ये जो आई पॉप लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए होता है, अगर आप डोर वगैरह खोल रहे हो तो ये बचा देगा। और यहाँ पे ये जो इनवाइज़र लगा हुआ है, इसमें एक क्रोम की जो स्ट्राइप है ये भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी को। तो यही सारी चीज़ें रहने वाली हैं अपनी नेक्सॉन में, जो कि इसको काफ़ी हद तक टॉप मॉडल बना देती हैं। बाहर से देखोगे तो जो बिग चेंज है, बस अगर आप इसमें अलॉय व्हील लगा लोगे तो एक जो कहते हैं कि कोई फिर बता ही नहीं पाएगा कि कोई लोअर वेरिएंट लेकर आप घूम रहे हो। और ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आइए इसके बजट की बात करते हैं। काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बिकॉज क्यों, मैं भी रेफरेंस से ही आया हूँ। मेरे फ्रेंड की पंच, उसने बेस मॉडल ली थी जी, तो काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज उन्होंने इनबिल्ट की थी इसमें, ठीक है। तो मैंने उसको देखा और उसी रेफरेंस से मैं आया हूँ, और मैं कहता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट थी आपकी फुलफिल हो गई वो? हाँ बिल्कुल, मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। और बाकी फ्यूचर का कुछ अपग्रेड प्लान है? अपग्रेड प्लान है कि हम आगे जो भी है, आगे जो फ्रेंड्स में और भी हम कार कर रहे हैं, हाँ, प्लान, हाँ, वो यहीं लेके आएंगे हम गाड़ी, श्योर। क्या नाम है भैया आपका? अनिकेत व्यास। कुछ 10 में से नंबर देना चाहेंगे? भाई 10 में से 10। थैंक यू, ठीक है जी। राजन भाई, नेक्सॉन तो आपने बना दी भयंकर तरीके से, बजट तो बता दिए भैया जी। अपनी ये नेक्सॉन हमने तैयार करी थी, इसका बजट रहने वाला है 60,000 रुपये। अच्छा, अगर किसी को और भी काम करवाना है हाई बजट में तो उसमें एडिशनली क्या क्या करवा सकते हैं, लाइक एलॉय वगैरह डलवाने? हाई बजट सपोज, मतलब अगर इसके नेक्सॉन के और भी अगर एक्सेसरीज लगवानी है तो सारी अवेलेबल है अपने पास, जैसे साइड मिरर वगैरह हो गए और ओरिजिनल पावर विंडो हो गई टाटा की जेन्युइन, और बहुत सारी एक्सेसरीज आती है, प्रीमियम से प्रीमियम चीजें आती हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले मिरर चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल है, जो कि अभी अपनी जो आपने गाड़ी देखी उसमें नहीं लगे, कस्टमर को नहीं लगवाना होगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी डेकोरम कार एक्सेसरीज पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी गाड़ी का जो बजट था वो 60,000 रुपये का था। 60,000 रुपये के बजट में इतने सारे काम हुए जो अभी आपने देखा है। देखा, जो फ्रंट बैक कैमरे वगैरह सारा हमने। बाकी आपको अगर नेक्सॉन की है कोई भी टाटा की गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवानी है, आप डेकोरम कार एक्सेसरीज पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे सारी ही डिटेल दी गई है, नंबर और एड्रेस। थैंक यू।